नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का जॉब एंड कैरियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में गोरखपुर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बार जो है ग्रुप डी में काफ़ी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लेकिन 2018 की तुलना में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं जबकि वैकेंसी ज़्यादा हैं। इस बार हर जोन में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं और उसी अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ 2018 की तुलना में काफ़ी कम रहने वाली है। 2018 में कट ऑफ जो गई थी उससे 10-15 नंबर का इस बार फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि 2018 में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे गोरखपुर जिले में और क्या क्या वैकेंसी थी, तो अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो उस टाइम पे 3388 वैकेंसी थी और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो अप्रोक्स 9 लाख जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि 2018 में गोरखपुर जोन में एक सीट के लिए जो कॉम्पिटिशन था वो 294 था। उस टाइम पर एक सीट के लिए 294 स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे थे। और आप लोग जानते हैं गोरखपुर जोन काफ़ी उसकी डिमांड रहती है, जो भी पूर्वी साइड के एरिया के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी फॉर्म भरते हैं और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ का कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं रहने वाला है, इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है क्योंकि वहाँ के मोस्टली बच्चे जो हैं इस बार सेलेक्टेड हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं कि 2019 में जो वैकेंसी आई उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए और कितनी वैकेंसी थी, तो दोस्तों इस बार जो वैकेंसी है वो 4002 है। आप लोग देख सकते हैं 2018 की तुलना में बढ़ गए हैं। 2018 में 3388 थे और इस बार जो है 4002 है। और इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो अप्रोक्स 6 लाख अप्लाई किए हैं। 6,20,825 फॉर्म 2019 में अप्लाई किए गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम ये जानते हैं कि इस पे एक सीट की कॉम्पिटिशन क्या है, तो इस टाइम पे 2019 के जो ये ग्रुप डी की वैकेंसी है इसके लिए एक सीट पर 154 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 2018 की तुलना में 2019 में काफ़ी अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वैकेंसी जो है ज़्यादा हैं और जो है फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं, इसलिए स्टूडेंट जो है कॉम्पीट कर रहे हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। और जो ये स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे हैं वे स्टूडेंट भी ऐसे हैं, थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं। इनमें से काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, बस उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ये फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इससे भी चलता है कि कॉम्पिटिशन काफ़ी कम रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार एग्ज़ाम नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे आगे हम आपको वीडियो में पूरा बताएंगे डिटेल से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि 2018 में लगभग 35% स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उन्होंने जो है गोरखपुर जोन में 35% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन टफ था फिर भी। लेकिन 2019 में अब बहुत सारी वैकेंसियां आईं और उसके बाद लोग सेलेक्ट भी हुए, जैसे कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आई, एएलपी की वैकेंसी आई, 2018 की वैकेंसी होगी, स्टेट पुलिस हुआ, उत्तर प्रदेश में ही कई बार 2-3 बार पुलिस का एग्ज़ाम हो लिया, अदर स्टेट में कई एग्ज़ाम हो लिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस बार दोस्तों जब जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो क्यों ही देंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम। अगर जो लोग टीचर में या फिर एएलबी सेलेक्ट हुए हैं उन्हें इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाले हैं। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हायर एजुकेशन रखते हैं, उन्होंने अप्लाई किया होगा फॉर्म के लिए लेकिन वो ना तो तैयारी कर रहे हैं और ना ही इसके लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं, बस उन्होंने उस टाइम पे घर के प्रेशर की वजह से या फिर यार दोस्त भर रहा है फॉर्म तो उन्होंने फॉर्म को भर दिया होगा। तो दोस्तों इससे ही पता चलता है कि इस बार जो वैकेंसी काफ़ी कम रहने वाली है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट हो रहा है, और जब एग्ज़ाम लेट हो रहा है उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। एग्ज़ाम लेट होने से जो बच्चों ने तैयारी शुरू की होगी तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी, अब तक तो वो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में सेटल हो गए होंगे मोस्टली बच्चे। इस बार कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं कि 3-3.5 गुना कॉम्पिटिशन कम हो गया है। इस बार दोस्तों इतना कंपटीशन कम होने की वजह से भी कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है, इससे भी कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहने वाली है। तो ये इतने सारे फैक्टर लग रहे हैं जो इसके कट ऑफ को कम करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि 2018 टाइम पीरियड में वहाँ की कट ऑफ क्या गई थी, तो दोस्तों जनरल की जो वहाँ कट ऑफ थी वो 73.90, ओबीसी की 69.27, एससी की 60.92, एसटी की 54.35 गई थी। दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। उस टाइम पे जो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ था। सरकार ने ऐसा नॉर्मलाइजेशन बनाया उस टाइम पे फॉर्मूला
कि लोगों के 10 से 15 मार्क्स बढ़ गए थे, तो इसलिए कट ऑफ इतनी हाई उस टाइम पे गई थी। अगर हम रॉ मार्क्स की बात करें तो इसमें से आप लोग 10 से 15 मार्क्स कम कर लीजिए, तब जाके आप लोग पाएंगे कि जो है कट ऑफ जो है गई थी। 2019 की कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि लोग जानते हैं ये फॉर्म 2019 में आया और इसका एग्जाम फरवरी में यानी 2022 के फरवरी में जाने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2022 कट ऑफ के बारे में अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो दोस्तों अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और आप लोगों ने 65 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर दिया बिना किसी गलती के, कोई आपका मिस्टेक नहीं हो रहा और आप लोगों ने 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% तय है। अगर आप लोग 65 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं जा रहा है, सही 65 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग समझिए आप लोग ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए। तो अगर हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशन मार्क्स के साथ भी बात करते हैं, तो 65 से 69 तक जो है जनरल के लिए, अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 62 से लेकर 67 तक नंबर, अगर हम बात करते हैं एससी के लिए 53 से 57, अगर हम एसटी की बात करते हैं दोस्तों तो 50 से 52 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और साथ ही अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 60 से 63 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो वो एरिया है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस से काफ़ी कम अप्लाई हुए हैं, तो वहाँ का जो कट ऑफ जो 60 से 63 भी अगर अच्छे से नंबर आप ले आते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन तय है। दोस्तों अब आप लोगों का मकसद होना चाहिए केवल और केवल पढ़ाई करना। अगर आप लोग जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बार आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से, तो इसलिए बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा जो मेहनत कर लिया तो इस बार जो है आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन तय है। गोरखपुर जोन आपका वेट कर रहा है, अगर आप लोग वहाँ गए तो आप लोग जो है सिलेक्टेड होके ही लौटोगे। दोस्तों इस बार जो पूर्वांचल जोन है आपके इंतजार में है, तो इसलिए इतनी मेहनत कर लीजिए कि इस बार आपको कोई हरा ना सके, आपको कंपटीशन कोई दे ना सके, आप लोग इतने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करो कि आप किसी का भी सिलेक्ट ना हुआ कोई ऐसा। आप लोग खूब जी जान लगा तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।